हेलो 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 हेलो, मेरी वॉइस अगर आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है तो यस टाइप करें। ओके, हाँ ध्यान रखें, सारे स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करें, आपकी उपस्थिति बहुत कम हो रही है। अगर अटेंडेंस से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं होंगे, टीचर को बाद में दोष ना दें। सारे स्टूडेंट ओके ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम निमेटेलमेंथिस। इससे पहले जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन हम लोग देख चुके हैं प्लेटीहेलमेंथिस की। आज इस लेक्चर में हम लोग निमेटेलमेंथिस के बारे में पढ़ेंगे। निमेटेलमेंथिस का क्या? जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है? निमेटेलमेंथिस का जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पिछला लेक्चर में कुछ भी डाउट हो तो आप उसी समय कमेंट बॉक्स रहता है टाइप कर सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना रहेगा तो। ओके, हाँ नेक्स्ट हम लोग जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन देखते हैं फाइलम निमेटेलमेंथिस। प्लेटीहेलमेंथिस हम लोग पढ़ चुके हैं, निमेटेलमेंथिस को ही एस्किहेलमेंथिस बोला जाता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है? निमेटेलमेंथिस को ही एस्किहेलमेंथिस बोला जाता है। सबसे पहले देखते हैं, ठीक है? दिस फाइलम इंक्लूड राउंड वार्म। तो इस फाइलम में कौन किस तरह के वर्म आते हैं? तो राउंड वार्म। इससे पहले हमने कौन सा, ठीक है, कौन सा वार्म देखा था, किसी को पता है? प्लेटीहेलमेंथिस में क्या बोलते थे हम लोग? लीफ वार्म, ठीक है? इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? राउंड वार्म। इस फाइलम में हम लोग राउंड वार्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो ओके, विच आर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है? राउंड वार्म इस फाइलम में अधिकतर क्या होते हैं? राउंड वार्म होते हैं। और इनका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? सर्कुलर होता है। तो क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होने के कारण, ठीक है, जब हम लोग इसको कट करते हैं, क्रॉस सेक्शन करते हैं, तो वो राउंड दिखते हैं, ठीक है, सर्कुलर दिखते हैं। और इसलिए सर्कुलर होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राउंड वार्म बोलते हैं। बिल्कुल याद रखना, जब इनका क्रॉस सेक्शन नहीं किया जाता है तब ये सर्कुलर दिखते हैं, और सर्कुलर दिखने के कारण इनको राउंड वार्म कहा जाता है। दे मे बी फ्री लिविंग एक्वाटिक। और ये क्या हो सकते हैं? जो निमेटेलमेंथिस क्या हो सकते हैं? ये फ्री लिविंग हो सकते हैं और एक्वेटिक हो सकते हैं, ठीक है? याद रखना, क्या क्या हो सकते हैं? फ्री लिविंग और एक्वेटिक मीन्स मुक्त जीवी और जल में पाए जाते हैं। एंड टेरेस्ट्रियल आर पैरासाइट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल। और साथ ही साथ ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ठीक है? फ्री लिविंग हो सकते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं, क्लियर? और ये पैरासाइट होते हैं, ठीक है? बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स में ये पैरासाइट की तरह रहते हैं, याद रखना, बहुत सारे प्लांट और एनिमल में परजीवी की तरह रहते हैं ये, क्लियर? ओके, ये फ्री लिविंग होते हैं, जलीय होते हैं, स्थलीय होते हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स में पैरासाइट की तरह भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी विथ टेपरिंग एंड एंड विथआउट सेगमेंटेशन। बहुत ही क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है निमेटेलमेंथिस का, कि ये कैसे होते हैं? ये लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, ठीक है? लंबे होते हैं, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है विथ टेपरिंग एंड। और इसका जो एंड होता है, बॉडी का जो एंड होता है वो टेपरिंग रहता है, मतलब इस तरह से नुकीला रहता है। हाँ, आप देख सकते हो इनकी जो बॉडी है वो कैसी है, ठीक है? किनारे किनारे में टेपरिंग है, नुकीली है, इसको हम लोग बोल रहे हैं टेपरिंग एंड। तो इनकी बॉडी कैसी होती है? टेपरिंग एंड होती है। और विदाउट सेगमेंटेशन, मतलब सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है, सेगमेंट देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। बॉडी कैसी होगी? बॉडी सिलेंड्रिकल होगी,
एंड कैसे होंगे, टेपरिंग होंगे और सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा। बात करें इसमें आर्गन सिस्टम की, तो आर्गन सिस्टम ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर की, तो आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें क्या पाया जाता है, आर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। प्लेटिहेलमिन्थेस में भी हम देखा था ठीक है, आर्गन लेवल के आर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी आर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम लोग लोअर से हायर की ओर बढ़ रहे हैं ना, सबसे पहले पूरी फेरा पढ़े ठीक है, अब हम लोग क्या पूरी फेरा, प्लेटिहेलमिन्थेस डिमेट्रेस ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग अप टू ऑर्डर मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की ओर पढ़ रहे हैं। तो बॉडी, तो इसमें ध्यान रखना कि आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आर्गन सिस्टम होती है, आर्गन सिस्टम लेवल की। हैव ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान, किस तरह का बॉडी प्लान होता है, ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान, और ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान क्या होता है हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। क्या होता है ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान, मीन्स कहने का मतलब ठीक है, बीच में इस तरह से एलिमेंट्री किनाल ठीक है, इस तरह से बीच में क्या होगा, एलिमेंट्री किनाल होगा, होलो एंट्री एलिमेंट्री किनाल, और इसके साइड साइड पर क्या पाए जाएंगे ठीक है, कैविटीज़ पाई जाएंगी और सेल्स पाए जाएंगे, तो बीच का एरिया क्या होगा ठीक है, इस तरह से हॉलो ट्यूब की तरह होगा, हॉलो ट्यूब की तरह, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल, तो अधिकतर जो प्लेटिहेलमिन्थेस और निमेटिहेलमिन्थेस के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, और बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है ये चीज़ें भी हम लोग देख चुके हैं। दे आर सुडोसिलोमेट एनिमल्स ठीक है, कैसे एनिमल्स होते हैं, सुडोसिलोमेट्स, हमने प्लेटिहेलमिन्थेस में क्या देखा था कि प्लेटिहेलमिन्थेस ए सिलोमेट था, मतलब प्लेटिहेलमिन्थेस में सिलोम नहीं पाया जाता है, लेकिन एसके हेलमेंथिस या निमेट हेलमेंथिस में सिलोम पाया जाता है, और सिलोम ट्रू सिलोम ना होकर क्या रहता है, नकली सिलोम, जिसको हम लोग बोलते हैं शुडो सिलोम ठीक है। दे हैव शुडोसील डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसील, तो जो शुडोसील होती है वो किसकी बनी होती है ठीक है, वो कहाँ से बनी होती है, एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसील से, एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसील से बनी होती है। हमेशा याद रखना सुडो या सिलोम किससे बना होता है, सिलोम मीजोडर्म से बना होता है, सिलोम किससे बना होता है, मीजोडर्म से बना होता है, लेकिन जो और मीजोडर्म से जो सिलोम बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सिलोम, लेकिन यहाँ जो सिलोम है वो क्या है, मीजोडर्म से ना बनकर ब्लास्टोसील, एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसील से बनी है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, शुडोसील, और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोल रहे हैं, शुडोसिलोमेट एनिमल्स, जिसमें नकली सिलोमेट पाया जा रहा है। पूछूंगा मैं ये सारी चीज़ें वाइवा में, तो याद रखना इस चीज़ों को। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीनों जर्म लेयर पाए जाते हैं, और तीनों जर्म लेयर कौन कौन से, मीजोडर्म एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स मीन थ्री नो लेयर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं एंटीरियर एंड डजंट शो डिस्टिंक्ट हेड एग्जाम्पल ठीक है, सिफेलोस्टनिन एबसेंट, तो एंटीरियर एंड में क्या होता है, हेड नहीं पाया जाता है, मतलब सामने में है क्या पाना जाना है बना चाहिए, नॉर्मली होता क्या है इस तरह से होता है ना कोई भी ऑर्गेनिज्म ठीक है, अगर ये है तो इधर हेड रीजन होना चाहिए, इधर टेल रीजन ठीक है, तो इधर क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए, इधर टेल होना चाहिए ठीक है, एंटीरियर में हेड और पोस्टीरियर में टेल, लेकिन इसमें हेड नहीं पाया जाता, इसके हेलमेंथिस के जो मेंबर होते हैं इसमें हेड नहीं पाया जाता है ठीक है, इस चीज को याद रखना, हेड नहीं पाया जाता है, क्लियर ठीक है, सिफेलोस्टेनिन एब्सेंट, तो इसमें एब्सेंट रहता है हेड का, क्लियर, तो यहां आप देख भी रहे होंगे हेड नहीं पाया जा रहा है, दोनों एंड टेपरिंग पाए जा रहे हैं। आगे देखते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एलिमेंट्री केनाल कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स माउथ एनस इंटेस्टाइन फंड, तो इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डेवलप्ड पाया जा रहा है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर पाई जा रही है, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री केनाल से पूरी तरह से लाइंड है, एलिमेंट्री केनाल पूरी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम इनके फैली हुई है ठीक है, और मस्कुलर फायरिंग्स जो कि मस्कुलर फायरिंग्स से बनी हुई है,
साथ ही साथ इसमें माउथ पार्ट्स पाए जा रहे हैं, एनस पाया जा रहा है, इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं इसमें पाई जा रही हैं, मतलब वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है निमेट हेलमेंथिस के मेंबर में। तो याद रखना डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है, कि इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम सुविकसित होती है। नेक्स्ट देखते हैं बॉडी वाल। अगर बॉडी वाल की बात करें तो बॉडी वाल कंसिस्ट ऑफ, तो बॉडी वाल तीन चीज़ से मिलकर बनी होती है, किससे किससे, क्यूटिकल से, एपिडर्मिस से और मसल लेयर। क्लियर है, बॉडी वाल तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, कौन कौन से, क्यूटिकल की लेयर, एपिडर्मिस और मसल लेयर की। ठीक है, क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल नॉन लिविंग थिक रेजिस्टेंट टू डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ होस्ट। तो क्यूटिकल का लेयर कैसा होता है, नॉन लिविंग थिक, ठीक है, नॉन लिविंग सेल्स की बनी होती हैं, ये मोटी होती है, क्यूटिकल की जो क्या कहना चाहिए लेयर होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है, रेजिस्टेंट टू डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम से प्रोटेक्ट करती है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, हम लोग इस चीज़ को पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं क्लियर कर रहा हूँ कि चूँकि ये क्या है, पैरासाइट हैं, और पैरासाइट होंगे तो क्या होंगे, पैरासाइट हैं तो किसी होस्ट को जाकर इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है, किसी होस्ट को जाकर इन्फेक्ट करेंगे और होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे, यही होता है ना। तो जब ये किसी होस्ट के अंदर जाएंगे, तब सपोज ये होस्ट ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर ये गए, ठीक है, तो होस्ट के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, अगर ये एंजाइम इसको किल कर दिए तो इसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसमें जो क्यूटिकल होता है, ठीक है, क्यूटिकल होता है, वो क्यूटिकल क्या होता है, मोटी पाई जाती है, मोटी, क्यूटिकल की मोटी परत, ताकि डाइजेस्टिव एंजाइम से ये बच जाएं। नेक्स्ट देखते हैं एपिडर्मिस के बारे में। तो एपिडर्मिस सिंसिटियल अ कंटिन्यूअस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म विथ स्कैटर्ड न्यूक्लियाई। तो सिंसिटियल, पहले सिंसिटियल किसको बोलते हैं, तो सिंसिटियम या सिंसिटियम कंडीशन किसको बोलते हैं, इसको पहले समझो। तो अगर एक ही सेल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंसिटियम। तो सपोज ये सेल है, इसमें बहुत सारे इस तरह से न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मल्टी न्यूक्लियट, नहीं बोलेंगे इस कंडीशन को, बोलते हैं मल्टी न्यूक्लियट भी बोलते हैं, पर इसी को कंडीशन को बोलते हैं हम लोग सिंसिटियम कंडीशन, अगर इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं तब। ओके, तो इनका जो आप देख सकते हो जो साइटोप्लाज्म आर स्कैटर्ड न्यूक्लियाई, तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है एपिडर्मिस के आसपास का, तो उसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, एक न्यूक्लियाई नहीं पाया जाता, बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। बात करें मसल लेयर की, तो ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर प्रेजेंट, तो केवल लंबे लंबे मसल फाइबर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हो गया बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं इसका रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन देखते हैं, तो रेस्पिरेशन थ्रू बॉडी सरफेस, तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, बॉडी सरफेस के थ्रू बाय डिफ्यूज़न। तो मैं पहले ही बताया था डिफ्यूज़न के थ्रू बॉडी गैस का एक्सचेंज होता है इनमें, तो डिफ्यूज़न के थ्रू कैसे होता है, तो यहाँ देखो, ठीक है, नॉर्मल जो, ठीक है, ये कोई, चलो थोड़ा सा अच्छा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये क्या है, ये एक राउंड वार्म है, और इनके बॉडी सरफेस से क्या होगा, O2 अंदर जाएगा, CO2 बाहर आएगा, ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल हैं, तो गैसियस मॉलिक्यूल का आराम से क्या होगा, डिफ्यूज़न, जिसको आप लोग बोलते हो विसरण, ठीक है, तो डिफ्यूज़न के थ्रू गैसियस का एक्सचेंज हो जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, तो क्या कह रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, अनुपस्थित होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, अनुपस्थित होता है। क्लियर, स्केलेटन इज एब्सेंट बट फ्लूइड प्रेशर इन द स्यूडोसीलोम मेंटेन बॉडी शेप, इट इज कॉल्ड हाइड्रोस्केलेटन। तो स्केलेटन मतलब इन्हें हड्डियां वगैरह नहीं पाए जाते हैं, स्केलेटन वगैरह नहीं पाया जाता है, ठीक है, स्केलेटन पूरी तरह से एब्सेंट होता है, देख सकते हो इसमें स्केलेटन हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, लेकिन इनका शेप फिर कैसे मेंटेन रहता है, तो इनके बॉडी में फ्लूइड पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलोमिक फ्लूइड, ठीक है, स्यूडो सिलोमिक फ्लूइड पाया जाता है, और इसी फ्लूइड के प्रेशर के कारण, इसी फ्लूइड के प्रेशर के कारण क्या होता है, इसका शेप मेंटेन रहता है, ठीक है, जैसे गुब्बारा का शेप, गुब्बारा का शेप, गुब्बारा भी क्या होता है, फूल कर गोल हो जाता है, तो
तो गोल शेप कैसा होता है, क्योंकि उसमें हवा भरी रहती है। तो ठीक इसी तरह से इनमें सुडोसिलो मतलब लिक्विड भरा रहता है इसके बॉडी के अंदर, ठीक है। और लिक्विड भरने के कारण क्या होते हैं, इसमें इसकी बॉडी शेप मेंटेन रहती है, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्केलेटन, ठीक है। हाइड्रोस्केलेटन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर, ठीक है, बॉडी फ्लूइड पाई जा रही है, लिक्विड पाई जा रही है, हाइड्रो इन्स वाटर, ठीक है, इसलिए। और इसी के कारण इसका स्केलेटन सिस्टम या फिर इसकी बॉडी शेप मेंटेन है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोस्केलेटन। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसके सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिया हमने, स्केलेटन सिस्टम देख लिया, अब देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एच शेप्ड एंड कंसिस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी केनाल विच रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्स। तो यहाँ देख रहे हो इसका में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एच आकार का होता है, यहाँ आप देख सकते हो एच आकार का होता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत सारे एक्सक्रीटरी केनाल होते हैं, और ये एक्सक्रीटरी केनाल से क्या होते हैं, बहुत जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो भी अनवांटेड प्रोडक्ट होते हैं, वो क्या, हाँ, यहीं से रिमूव होते हैं, यहाँ से वो क्या होते हैं, हट जाते हैं। क्लियर? ठीक है, फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्स। तो यहीं एच साइज बॉडी से यहाँ छोटे छोटे पोर के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है उसको निकाल दिया जाता है। दे आर डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक, दे आर डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक, एक स्पेशल टाइप का सेल्स है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, रेड, ठीक है, रेनेट सेल। तो ये एक्सक्रीटरी केनाल या एच शेप का केनाल किससे डेवलप होता है, एम्ब्रियोनिक रिनेट सेल, इसको बिल्कुल याद रखना, मैं वाइवा में पूछूंगा, रिनेट सेल्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया। तो ये लोग जो हम, जैसे हम लोग, ठीक है, हम लोग एक्सक्रीट क्या करते हैं, हम लोग यूरिन, यूरिन में यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, और ये, ठीक है, अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन में एक्सक्रीटरी के रूप में, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, बात करें कि नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, सर्कियम फारेंजियल नर्व रिंग, ब्रेन नर्व रिंग, ठीक है, सर्कियम फारेंजियल नर्व रिंग, ये नर्व रिंग ब्रेन में पाए जाते हैं, एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। तो इसमें, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, तो नर्व रिंग पाए जा रहे हैं, नर्व कॉर्ड पाए जा रहे हैं, और नर्व रिंग नर्व कॉर्ड क्या पाए होते हैं हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में क्या होता है। सेंस ऑर्गन की बात करें तो सेंस ऑर्गन लाइक, ठीक है, पैलिए, ठीक है, पैली इसमें देखो पाया जाता है, और पैली किस में पाया जाता है, किसके मतलब किस चीज़ को सेंस करने के लिए, तो टच को, टच को सेंस करने के लिए इसमें क्या पाया जाता है, पैली पाया जाता है, ठीक है। टैंगो रिसेप्टर इसको बोलते हैं, ठीक है, टैंगो रिसेप्टर्स बोलते हैं टच को सेंस करने के लिए, टच को महसूस करने के लिए, ठीक है। एम्फाइड्स, एम्फाइड्स भी पाए जाते हैं, और एम्फाइड्स किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो केमिकल्स को, केमिकल्स को सेंस करने के लिए इसमें एम्फाइड्स पाए जाते हैं, फाउंड इन लिप्स, ठीक है, और लिप्स में पाए जाते हैं एम्फाइड्स। कहाँ पर पाए जाते हैं, इनके लिप्स में पाए जाते हैं एम्फाइड्स, जो कि केमिकल्स को सेंस करते हैं, ठीक है। वहीं हम लोग बात कर लें फेजमिट की, ठीक है, फास्मेट्स की, तो फास्मेट भी कीमोरिसेप्टर होता है, केमिकल्स को पहचानता है, बहुत सारे केमिकल्स को सेंस करने का काम करता है, और ये टेल में पाया जाता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पाए गए हैं, लिप, ये एम्फाइड्स लिप में पाया गया, और फेजमिट टेल रीजन में पाया गया। क्लियर? ओके, बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, इनमें वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम सुविकसित होता है। यूजुअली यूनिसेक्सुअल विथ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। यूजुअली यूनिसेक्सुअल मीन्स मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं इसमें, ठीक है, मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है, तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्लियर देखने को मिलता है इसमें। फीमेल आर लार्जर देन मेल्स, और फीमेल क्या होती है, मेल की तुलना में लंबी होती है, क्या होती हैं, फीमेल मेल की तुलना में लंबी होती है। एक्सक्रीज की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ फीमेल क्या है, फीमेल यहाँ लंबी दिख रही है जबकि मेल छोटे दिख रहे हैं। मेल इज कर्व्ड फ्रॉम इट्स काउडल एंड, फीमेल इज स्ट्रेट एट बोथ एंड। तो जो मेल होता है वो मेल क्या होता है,
दोनों एंड से कर्व रहता है। अब दोनों एंड से कर्व कैसे रहता है मेल, तो इस तरह से, ठीक है। जब ये मेल है जो उसका एंड रीजन रहता है ना, वो इस तरह से क्या होता है, थोड़ा सा कर्व रहता है, मुड़ा हुआ रहता है, जबकि फीमेल नहीं रहती। फीमेल ऐसा स्ट्रेट होती हैं और दोनों एंड इसकी क्या होती हैं, इस तरह से टैपरिंग होती हैं। क्लियर? ओके। मेल हैज पीनियल स्टेज फॉर कपल्शन, ठीक। तो इन मेल का जो ये मुड़ा हुआ रीजन रहता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर पीनियल स्टेज, पीनियल सीटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पीनियल सीटा पाया जाता है, और ये कपल्शन में हेल्प करता है, जो मैटिंग वगैरह हो गए उसमें हेल्प करता है। कौन? ये सीटा। तो याद रखना, मेल में क्या पाया जाता है? पीनियल सीटा पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीनियल सीटा पाया जाता है जो कि कपल्शन में हेल्प करता है। बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है, आंतरिक फर्टिलाइजेशन होता है। और डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट भी, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। मतलब सीधे ये यंग एडल्ट राउंड वार्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, या फिर लार्वा स्टेज में, पहले लार्वा बनेंगे, कई सारे लार्वा बनेंगे, उसके बाद ये यंग या एडल्ट राउंड वार्म में कन्वर्ट होंगे। तो इसका जो लार्वा होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेबडिटी फॉर्म या रेबडोइट लार्वा। क्या बोलते हैं लार्वा को, याद रखना है, रेबडिटी फॉर्म या रेबडोइट लार्वा बोलते हैं, ठीक है, इसका जो लार्वा होता है उसको। एस्केरिस में जो लार्वा होता है उसको रेबडोइट बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखें निमेट हेलमेंथिस या एस्के हेलमेंथिस के, तो एक एग्जाम्पल है एस्केरिस। क्या है एग्जाम्पल? एस्केरिस फंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एस्केरिस कहाँ पर पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, ठीक है। राउंड वार्म काजेस एस्केरिसिस, तो ये कौन सा डिसीज काज करती है? एस्केरिस। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होता, फंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स एनिमल्स के, ठीक है, मैमल्स वगैरह होगा, एनिमल्स के आंत में पाया जाता है एस्केरिस। और एस्केरिस एक भयंकर डिसीज काज करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एस्केरेसिस, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया एस्केरिस। दूसरा एग्जाम्पल देखें हम लोग निमेट हेलमेंथिस से एल्के हेलमेंथिस को, तो यह क्या है? वाउचेरेरिया, ठीक है, वाउचेरेरिया बोलते हैं इसको, जो कि फाइलेरिया डिसीज काज करती है। फाइलेरिया डिसीज, फाइलेरिया जानते हो ना, आपके पैर बहुत मोटा हो जाता है, ठीक है। कास एलिफेंटेसिस, एलिफेंटेसिस या फाइलेरिस डिसीज काज करता है ये कौन, ठीक है, ये वाउचेरेरिया जो वर्म है वो, ठीक है, फाइलेरिया डिसीज, जिसे पैर बहुत मोटा मोटा हो जाता है, या एलिफेंटेसिस जिसको बोलते हैं फाइलेरिस डिसीज। और इसका जो कैरियर होता है वाउचेरेरिया का, क्या होता है? फीमेल क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है, फीमेल क्यूलेक्स जो मॉस्किटो होती हैं वो इसकी क्या होती है? कैरियर होती है। जैसे फीमेल एनाफिलीज, ठीक है, प्लाज्मोडियम या मलेरिया की कैरियर होती है ना, ठीक, उसी तरह से फीमेल क्यूलेक्स क्या होते हैं? मॉस्किटो कैरियर होते हैं फाइलेरियासिस को। एकदम याद रखना है, पूछूंगे इन सब चीज़ों को वैवा में, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं उसको एकदम डीपली याद रखना, बोलना नहीं। नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल है इसी मेंबर का, ड्रेनेकुलेसिस, ड्रेनेकुलस, क्या बोल रहे हैं? ड्रेनेकुलस। तो ड्रेनेकुलस जिसको, ठीक है, गुइनी वार्म भी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? गुइनी वार्म, या इसको बोलते हैं गिनिया वार्म। ये भी एक डिसीज काज करती है, ठीक है, फ्लेरेसी स्ट्रेप्टेंस, ठीक है, मेडिनेसिस, ये डिसीज का नाम है मेडिनेसिस। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, जैसे एनसाइक्लोस्टोमा डियोडेनी, एनसाइक्लोस्टोमा डियोडेनेली जिसको हुक वार्म बोला जाता है, ये कुछ एग्जांपल है। लोवा लोवा जिसको क्या नाम से जाना जाता है? लोवा लोवा को आई वार्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ट्राइकेरिसिस, ट्राइकेरिया, ट्राइकेरिसिस ट्राइक्यूडेया जिसको, ठीक है, वाइट वार्म या व्हिप वार्म के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज़ को याद रखना किनको किस किस नेम से जाना जाता है। मैं पूछूंगा व्हिप वार्म किसको बोलते हैं, तो आपको बताना चाहिए कि ट्राइकरस ट्राइकोरिया को बोला जाता है व्हिप वार्म। एंटेरोबिलस वर्मिकुलरिस, ठीक, जिसको पिन वार्म बोला जाता है, लोवा लोवा। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे निमेट हेलमेंथिस या एस्के हेलमेंथिस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो कुछ एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे जनरल कैरेक्टर्स
निमेट हेलमेंथिस के या प्लेटी हेलमेंथिस के, सॉरी एस के हेलमेंथिस के, नॉट प्लेटी हेलमेंथिस। अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन देखने की कोशिश करते हैं कि क्लासिफिकेशन कौन कौन से क्लासेस में इसको बांटा गया है, निमेट हेलमेंथिस या एस के हेलमेंथिस को। कि स्क्रीन विज थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज आ गई हैं, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हेलो, हाँ स्टूडेंट, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। ओके 1 मिनट, बस मैं फिक्स कर रहा हूँ कनेक्शन को। ओके अब क्लियर है, अब दिखाई दे रही है। हाँ अब दिखाई दे रही होगी स्क्रीन। तो हाँ, क्लासिफिकेशन में जाने से पहले यहाँ देख लीजिए आप, स्ट्रक्चर देख लो थोड़ा सा, मेल और फीमेल स्केल्स की, हालांकि पहले हम लोग देखे हैं पर फिर भी एक बार और देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक स्केल्स की स्ट्रक्चर है जिसमें दिस वन इज द एंटीरियर लोब, एंटीरियर पार्ट सामने का हिस्सा, और ये पोस्टेरियर पार्ट पीछे का हिस्सा। ठीक, माउथ प्रेजेंट है। ठीक है, रिट्रैकिंग पियर्सिंग डिवाइस, पियर्सिंग मतलब सक करने के लिए पैरासाइट से, किसी मतलब होस्ट से कुछ न्यूट्रिएंट सक करने के लिए। नर्व रिंग बनी हुई है, एक्सक्रीटरी पोर बने हुए हैं, फायरिंग्स मसल हमने देखा, इंटेस्टाइन बनी हुई है, ओवरीज। ठीक है, स्यूडोसीलोम, स्यूडोसीलोम देखे थे हमने, क्यूटिकल की बनी लेयर, रिप्रोडक्टिव पोर, और ये लास्ट में एनस। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ देख रहे होंगे कि मेल और फीमेल्स। ठीक है, फीमेल क्या होती हैं, थोड़ी सी बड़ी होती हैं, तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये फीमेल क्या है, फीमेल इसके रिस्क का एग्जाम्पल है, और ये मेल, मेल हमेशा छोटा होता है। ओके, इसमें भी आप देख रहे होंगे फीमेल और मेल। ठीक है, इसमें टेस्टिस वगैरह पाई जा रही हैं। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें, यूटेरस वगैरह, वल्वा का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं तो इनको दो मेन क्लासेस में बांटा गया है। तो फाइलम निमेटोड इज क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ सेंसरी आर्गन, ऑन द बेसिस ऑफ सेंसरी आर्गन। तो सेंसरी आर्गन के आधार पर, ठीक है, सेंसरी आर्गन के आधार पर इनको कितने क्लासेस में बांटा गया है, निमेटी हेलमेंथिस को दो क्लासेस में। ठीक है, कितने क्लासेस में, दो क्लासेस में। फर्स्ट क्लास है ए फसमीडा, जिसको एडिनोफोरा के नाम से जाना जाता है, और सेकंड है फेजमीडा, जिसको सिक्रेनेटा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से, तो सिक्रेनेटा के नाम से भी जाना जाता है। दो क्लास, एफिसमीडा और फेजमीडा। देखते हैं दोनों क्लासेस में क्या क्या मेजर सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी हैं। तो कॉडल सेंसरी आर्गन फाजमिड आर एबसेंट। तो कॉडल सेंसरी आर्गन मतलब पीछे की तरफ। ठीक, कॉडल हम लोग क्या पढ़े थे, कॉडल में क्या पढ़े थे, कॉडल यहाँ पर पढ़े थे ना कि काउडल एंड में फीम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हमने देखा था टेल रीजन में फर्स्ट होते हैं क्या, फैजमिड, टेल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। कौन से रीजन में, टेल रीजन में क्या प्रेजेंट होते हैं, फेजमिड। तो काउडल मीन्स पीछे की तरफ पर क्या पाए जा रहे हैं, फेजमिड यहाँ पर एबसेंट हो रहे हैं, एडिनोफोरा में अनुपस्थित हैं, एबसेंट हैं। वहीं फेजमिडा में क्या है, ये प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं। क्लियर। एंटीरियर सेंसरी आर्गन एम्फाइड्स आर वेरियस टाइप्स। तो यहाँ पर जो एंटीरियर सेंसरी आर्गन है, सामने की तरफ जो एंटीरियर सेंसरी आर्गन पाए जा रहे थे, वो क्या हैं, पाए जाते हैं और बहुत सारे टाइप्स में पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ देखा था, ठीक है, यहाँ जो एम्फाइड्स होते हैं वो एंटीरियर रीजन में पाए जाते हैं, और ये लिप रीजन में कीमो रिसेप्टर होते हैं, देखा था हमने। तो ये कहाँ, यह बहुत सारे टाइप्स के पाए जाते हैं और एंटीरियर रीजन में पाए जाते हैं। एम्फाइड्स आर पोर लाइक, और जबकि इनमें जो एम्फाइड्स होते हैं वो अलग अलग टाइप से नहीं पाए जाते हैं, पोर लाइक पाए जाते हैं, पोर जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। एफएस मीडा के जो मेंबर होते हैं, ये यूजुअली क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, अधिकतर क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, जबकि
फेजमीडा के जो मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, अधिकतर क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट आर रूडिमेंट्री, तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं या रूडिमेंट्री होते हैं। वहीं एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड विथ रिनेट सेल, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, वेल डेवलप होता है, बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। और किससे बने होते हैं, तो हमने आगे देखा था रिनेट सेल की बनी हुई एक्सक्रीटरी सिस्टम पाई जाती हैं, ये चीज़ें हमने देखी हैं। टेल इज नॉन ग्लैंडुलर, टेल पूंछ कैसी होती है, नॉन ग्लैंडुलर होती है, जबकि इनकी टेल क्या होती है, ग्लैंडुलर होती है। ठीक है, ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर कहने का मतलब क्या है, ठीक है, ग्लैंडुलर मीन्स ये कुछ इसमें ग्लैंड सेल्स एब्सेंट होते हैं जिसके कारण, ठीक है, ये किसी तरह से ये स्मेल सिक्रिट नहीं करती हैं, जबकि ये बहुत सारे, ठीक है, सब्सटेंस सिक्रिट करती हैं इस मेंबर के जो स्मेल करती हैं। एग्जाम्पल देखें तो ये है ट्राइकिनेलिया और डोरीलेमिस, इस मेंबर के सदस्य हैं ट्राइकिनेलिया और डोरीलेमिस, एफिसमीडा के मेंबर, जबकि फेजमीडा के मेंबर हैं एस्केरिस, ठीक है, एस्केरिस और क्या क्या, लुम्ब्रिसोइडिस, एंटेरोबियस और वर्मी कुलेरिस, ये क्या हैं, ये फेजमीडा के मेंबर हैं। तो दोनों क्लास में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और इनको मेनली दो ही क्लास में निमेट हेलमेंथिस को बांटा गया है। कुछ एग्जाम्पल हैं निमेट हेलमेंथिस के, तो ये एग्जाम्पल आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आगे भी हम लोग देखे थे कुछ एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ भी आप देखना, ये उनका जूलॉजिकल नेम है, यहाँ पर उनका कॉमन नेम है, और ये क्या क्या डिसीज का करते हैं, जैसे एस्केरिस, ठीक है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस कौन सी डिसीज, इसको राउंड वार्म के नाम से जाना जाता है, ये एस्केरिएसिस कार्स करता है, ठीक है, वाउचेरिया ब्रोंकेप्टाई, ठीक है, कौन सा, बैंक्रोप्टाई, जिसको फाइलेरियल वार्म के नाम से जाना जाता है, और ये एलिफेंटेसिस या फाइलेरियसिस डिसीज कास करती है। इस तरह से जैसे, ठीक है, एंटेरोबेसियस या फिर लोवा लोवा, लोवा लोवा को आई वार्म बोला जाता है, कंजेक्टिवाइटिस। तो ये सारी चीज़ें इसको आप याद रखना, इनका क्या जूलॉजिकल नेम है और क्या कॉमन नेम है और कौन सी डिजीज कास करती है, ठीक है, जूलॉजी के स्टूडेंट को इतना तो पता ही होना चाहिए। तो ये जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम निमेट हेलमेंथिस, या जिसको आप लोग बोलते हो एसके हेलमेंथिस, ख़त्म होता है। हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, देखते हैं टाइम कितना बचा है, नहीं तो कंटिन्यू करेंगे एनेलिडा को। ठीक, 1 मिनट। चूंकि हमारे पास टाइम बचा हुआ है अभी, तो हम लोग जनरल कैरेक्टर्स आप एनिलीडा को भी देख लेते हैं। एनिलीडा आर्थ्रोपोडा का जनरल कैरेक्टर देखना है, उसके बाद हम लोग टाइप स्टडी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं सबसे पहले, अब एनिलीडा का टाइम बचा है इसलिए आज ही हम लोग देख लेते हैं इस चीज़ को, आज ही थोड़ा बहुत इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो फाइलम एनिलीडा, एनिलीडा को भी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एनिलीडा, एनिलीडा मतलब क्या होता है, ठीक, इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं कितना असरदार होता है, कितना आपके लिए यूजफुल होता है, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम। तो आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो कमेंट करना, नहीं हिंदी मीडियम में चाहिए तो भी कमेंट करना, ठीक है, मेजोरिटी देखते हैं कौन से मीडियम के स्टूडेंट हैं, नहीं तो हिंदी इंग्लिश हिंदी पढ़ाएंगे, कंटेंट हिंदी में रहेगा, नहीं तो अगर ज़्यादा रहेंगे तो इंग्लिश में ही कंटेंट रहेगा। तो एनिलीडा स्टार्ट करते हैं। एनिलीडा मीन्स एनिलीडा, ठीक है, एनिलीडा वर्ड किससे डिराइव हुआ है, तो एनुअल, ठीक है, एनिलीडा मीन्स एनुअल्स। तो आप केचुआ, केचुआ इस मेंबर का बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट मेंबर है। तो एनुअल्स मीन्स रिंग, ठीक है, रिंग पाया जाना इसमें, तो इसमें बहुत सारे रिंग्स पाए जाते हैं एनिलीडा के मेंबर में, रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इनकी बॉडी में, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीडा। देखते हैं इसके हैबिट के बारे में। समुद्री अलवण जल या थल पर पाए जाते हैं, तो अधिक कैसे होते हैं ये, इनके हैबिटेट की बात करें तो ये समुद्र में पाए जाते हैं, मेराइन में पाए जाते हैं, और साथ ही साथ अलवण जल में, अलवण जल मतलब, ठीक है, किस तरह से समुद्र में तो पाए जा रहे हैं, समुद्र कैसे जल हो गया, साल्ट वाटर हो गया, और ये नॉन साल्ट वाटर, ठीक है, तो ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और थल में पाए जाते हैं। क्लियर, ये क्या होगा, इनका हैबिटेट, आवास के बारे में हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं शरीर की संगठन की, बॉडी की ऑर्गेनाइज, शरीर संगठन यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें अंग तंत्र प्रकार का, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र प्रकार का
बॉडी स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें सममिति की, जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री, ठीक है। तो अधिक हम देख रहे थे कि एस्केहेलमिंथस में भी क्या था, बाइलेटरल सिमेट्री था, और यहाँ पर भी क्या पाया जा रहा है, द्विपार्श्व सममिति, ठीक है, मतलब बाइलेटरल सिमेट्री। यहाँ पर भी जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उनमें किस तरह की सममिति है, सिमेट्री है, तो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है एनिलिडा के मेंबर में भी। बात करें, ठीक है, इनके और कैरेक्टर की, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स तीनों जर्म लेयर, कौन कौन, मीजोडर्म एंडोडर्म एक्टोडर्म प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन मीन्स, या इसको बोलते हैं समखंडी भवन, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन को ही क्या बोलते हैं, समखंडी भवन। और समखंडी भवन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, शरीर समान भाग में विभक्त होना, मतलब शरीर क्या होगा, समान भागों में बांटा बटा होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटामेरिकली सिमेट्रिकल या मेटामेरिकली सेगमेंटेशन बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, वास्तविक गुहा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलोम। गुहा को हम लोग क्या बोल रहे थे, सिलोम, कैविटी नहीं, सिलोम, ठीक है। तो ये यू सिलोमेट होते हैं, तो बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। इससे पहले हम एसके हेलमेंथिस देख रहे थे, एसके हेलमेंथिस या फिर प्लेटी हेलमेंथिस, तो उसमें वो कैसे थे, प्लेटी हेलमेंथिस ए सिलोमेट था, जबकि एसके हेलमेंथिस शुड सिलोमेट था, ठीक है। या तो सिलोम अनुपस्थित थे या नकली सिलोम थे, लेकिन यहाँ पर यू सिलोम मतलब ट्रू सिलोम पाया जा रहा है, ठीक है, ट्रू सिलोम यहाँ पर पाए जा रहे हैं, याद रखना। साइजोसील कैविटी सिलोम की उत्पत्ति हुई, तो यहाँ साइजोसील कैविटी या साइजोसील गुहा क्या हो रही है, यहाँ पर पाई जा रही है, उपस्थित है यहाँ पर। और सिलोम की उत्पत्ति सबसे पहले इन्हीं मेंबर से हुई है, एनेलिडा से हुई, बाकी एनेलिडा के अंतर्गत आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे, मोलस्का पढ़ेंगे, उन सभी में सिलोम पाया जाएगा, ठीक है, कॉडेटा वगैरह पढ़ेंगे उनमें सिलोम पाया जाएगा। सिलोम की उत्पत्ति यहीं से हुई सी, कौन से एनेलिडा से। शरीर की सकल संरचना, मतलब बॉडी प्लान की बात करें हम लोग, ठीक है, सकल शरीर की सकल संरचना कहने का मतलब है बॉडी प्लान। तो नली के भीतर, नली बॉडी प्लान मतलब ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान पाई जाती है, ठीक है, ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान। और ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान कहने का अर्थ क्या है, कि ट्यूब के अंदर क्या पाया जाएगा, एलिमेंट्री केनाल और फिर कई सारे और ट्यूब पाए जाएंगे, तो इस तरह से ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान पाई जाती है एनेलिडा के सदस्यों में। बात करते हैं परिसंचरण सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्लोज टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है। हीमोग्लोबिन रक्त प्लाज्मा में घुला रहता है, और हीमोग्लोबिन चूंकि इनकी ब्लड क्या होता है, ब्लड अगर लाल है तो वो किसमें, ब्लड में हीमोग्लोबिन स्पष्ट पता चलता है, स्पष्ट प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसका जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड प्लाज्मा में घुला रहता है, ठीक है, याद रखना। बोल हीमोग्लोबिन किस में घुला रहता है, ब्लड प्लाज्मा में। उत्सर्जी अंग, तो एक्सक्रेटरी अंग या उत्सर्जी अंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ये नेफ्रिडिया होता है, क्या होता है ये, उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया, या जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्व सिस्टम की बात करें, तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है, एनुलेटेड होता है, वलय के रूप में, तंत्रिका तंत्र कैसा है, एनुलेटेड रिंग, ठीक है। नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं, तो नर्व कॉर्ड और नर्व रिंग हम पहले भी देख चुके हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, से मिलकर बना होता है, ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र या नर्व कॉर्ड, ठीक, रज्जू जिसको बोल रहे हैं, वेंट्रल डबल, तो दो वेंट्रल इसमें पाए जाते हैं, दो वेंट्रल कॉर्ड पाए जाते हैं, ठीक है, डबल वेंट्रल कॉर्ड से मिलकर बना होता है इनका नर्व कॉर्ड। गमनांग, गमनांग मीन्स क्या, जिसको लोकोमोटरी ऑर्गन, मतलब गमनांग मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करने के लिए जो ऑर्गन है उसको बोल रहे हैं गमनांग, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन। तो लोकोमोटरी ऑर्गन सीटी प्रेजेंट होते हैं, जिसको सीटा भी बोलते हैं, ठीक है, सीटा क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इनमें लोकोमोशन के लिए। बात करें रेस्पिरेशन की, तो शरीर की सतह से, तो रेस्पिरेशन कहाँ से, नॉर्मल बॉडी सरफेस से करते हैं, और कुछ में गिल्स पाए जाते हैं, तो कुछ मेंबर्स में क्या होते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स के द्वारा ये रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, और कुछ में नॉर्मल बॉडी सरफेस से क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन करते हैं। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म या फिर बाइसेक्सुअल होते हैं, तो यहाँ पर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं या फिर बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, दोनों तरह के हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल मीन्स मेन और फीमेल अलग अलग होंगे, और बाइसेक्सुअल मीन्स मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होंगे, एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे।
बात करें डेवलपमेंट की या परिवर्धन की, तो डेवलपमेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो डायरेक्ट डेवलपमेंट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, इनडायरेक्ट ये एडल्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, जबकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में कई लार्वल स्टेज डेवलप होते हैं और लार्वा फिर एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में ये, ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी करते हैं इनके मेंबर, एनेलिडा के सदस्य, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं तो इनके लार्वा कई सारे लार्वल स्टेजेस के थ्रू करते हैं, और इनके लार्वा को क्या बोलते हैं हम, इस लार्वा को ट्रोकोफोर बोलते हैं। तो याद रखना, इनके लार्वा को क्या बोलते हैं, ट्रोकोफोर बोलते हैं। ठीक है, बात करें एलिमेंट्री केनाल की, तो इनकी आहार नाल सीधी होती है। ठीक है, पाचन बहु को बाह्य कोशिकी होती है, आहार नाल सीधी, पाचन बाह्य कोशिकी। क्लियर। क्लासिफिकेशन की बात करें इसकी, कितने क्लास में बांटा गया है, जिसको तीन क्लास में बांटा गया है। ठीक है, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा और हीरोडिनिया, तो ये तीन मेन क्लासेस में बांटा गया है। और क्लासिफिकेशन को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में अगले लेक्चर में इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। याद रखना, मैं क्लासिफिकेशन का वीडियो मैं अभी अपलोड करूंगा शाम तक, तो उसको देखना, ताकि मैं टाइप स्टडी स्टार्ट करूं, नेक्स्ट क्लास जब भी लूं मैं टाइप स्टडी स्टार्ट करूं। क्लियर। तो यहां से आप पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा और हिरोडोनिया तीन क्लास को हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में। तो आज इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स पर टाइप करना। ठीक है, और कुछ चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ। अच्छा, क्लास होने से पहले आपकी उपस्थिति मैं पहले से एक और बता देता हूँ, आप सारे स्टूडेंट अटेंडेंस देते नहीं हो, अटेंडेंस आप कब देना, ठीक, 12:45 के बाद। ठीक है, लाइव चैट में अगर 12:45 में ख़त्म हो जाए तो लाइव चैट में ना सही, तो कहाँ आप अटेंडेंस दोगे, कमेंट बॉक्स पर। ठीक है, कमेंट बॉक्स पर। और अटेंडेंस कैसे देना है, तो अटेंडेंस इस तरह से देना है, जैसे कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, पुष्पलता, तो पुष्पलता अपना नाम लिखेंगी, पुष्पलता। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट या ग्रुप सेकंड, इस तरह से। ठीक है, पुष्पलता ग्रुप सेकंड, या फिर कोई जैसे साक्षी पटेल, साक्षी पटेल है, साक्षी पटेल अपना नाम लिखेंगी और ग्रुप फर्स्ट, इस तरह से आपको अटेंडेंस देना है, ताकि हमें पूरा ढूंढना पड़ता है कि स्टूडेंट का, ऐसा नहीं करना। ठीक, ग्रुप वाइज दोगे क्लियर पता चल जाएगा ग्रुप कौन सा है, हम क्लियर अटेंडेंस मेंशन कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्लियर। और सारे स्टूडेंट शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, क्योंकि आपका टाइमिंग भी काउंट होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ इस चीज़ को। ठीक है, आपका इस तरह से, मैं एक दो स्टूडेंट का ग्राफ मेरे को पता है, ठीक है, इनका ग्राफ अच्छा जा रहा है इस तरह का, तो आप सभी का ग्राफ अच्छा जाना चाहिए, तो अटेंड लास्ट तक बने रहना और सारे स्टूडेंट ज्वाइन करना। अगर अटेंडेंस से मैं नोटिस भेज चुका हूँ ग्रुप में, अटेंडेंस के कारण कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है आपके इंटरनल असेसमेंट में, तो फिर उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। तो यूट्यूब लेक्चर आप अटेंड कीजिए, ठीक है, अगर लेक्चर लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते हैं फिर भी बाद में अगर नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, एक स्टूडेंट ने बताया कि नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, तो जब नेटवर्क आ जाएगा उस समय आप, ठीक है, लाइव अटेंड नहीं करते हैं कोई बात नहीं, वीडियो जब अपलोड हो जाती है तो आप वीडियो को बाद में क्या करें, कंप्लीट देखें, बाद में कंप्लीट देखें, और कंप्लीट देखने के बाद क्या करें, अपना अटेंडेंस कमेंट बॉक्स पर टाइप करें, कमेंट बॉक्स पर टाइप कर दें, ताकि मैं उसको ऑब्जर्व कर सकूँ। याद रखना, ठीक है, 24 घंटे के अंदर जो वीडियो और लेक्चर होती हैं, अपलोड होती हैं, उसको 24 घंटे के अंदर